सब्सक्राइब कीजिए टी फॉर टेक वीडियो और दबाइए प्रेस बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। गाइस कैसे हैं आप लोग, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टी फॉर टेक वीडियो। तो गाइस आज वो दिन आ गया है, मेरे मी एयरबड्स गाइस आज डिलीवर सक्सेसफुली हो ही चुके हैं गाइस। तो चलिए गाइस इसकी आज अनबॉक्सिंग आपको दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि बॉक्स में हमें क्या कंटेंट मिलता है। तो चलिए गाइस आपको दिखाता हूँ। जब गाइस ये बॉक्स आपको मिलेगा शेयर सेफ की ओर से, तो यहाँ पे आपको गाइस ये कस्टम की तरफ से गाइस एक यहाँ पे पर्चा सा ही मिलेगा। ये आपके बॉक्स में गाइस बाहर से चिपकाया गया है और अंदर शायद गाइस आपको इसका बिल मिल जाए। तो चलिए गाइस मैं यहाँ से इसकी सील को तोड़ता हूँ। तो गाइस बाहर से मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया है और देखिए गाइस अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे मी टू वायरलेस ईयरबड्स। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको छोटी सी इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ सबसे पहले। तो गाइस इसमें हमें गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। अगर हम इसको ट्रिपल वार टच करते हैं गाइस इनके बटनों पे, तो हमें यहाँ पे गेमिंग मोड इनेबल हो जाता है। और गाइस इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो हमें जो चार्जिंग केस है वो हमें 12 आवर का यानी कि 12 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। और गाइस ईयरबड्स हैं जो हमारे, वो गाइस हमें लगातार 4 घंटे का बैकअप दे देते हैं। और गाइस ये ब्लूटूथ 5.0 पे वर्क करता है लेटेस्ट गाइस। और यहाँ पे गाइस चार्जिंग केस भी हमें इसके अंदर मिल जाता है। तो चलिए गाइस इसके अंदर से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। ये गाइस शेयर सेफ की तरफ से आने वाला बिल, इसमें गाइस इन्होंने साफ साफ दिखा रखा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है गाइस। और यहाँ पे गाइस जो करेंसी है वो USD में यहाँ पे दिखाई गई है, तो आप देख सकते हैं गाइस। देखिए गाइस इनवॉइस डेट है वो 18 जून की है यहाँ पे। तो चलिए गाइस इसको मैं साइड रख देता हूँ और आपको बॉक्स अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो गाइस बॉक्स से बाहर निकालने के बाद हमें कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिलता है। ये हमारे ईयरबड्स हैं गाइस जो कि फुली प्रोटेक्टेड है यहाँ पे। तो गाइस मैं इस यहाँ को टेबिंग से हटा लेता हूँ क्योंकि गाइस मैं थोड़ा वीडियो पुश करता हूँ यहाँ पे। तो गाइस सक्सेसफुली मैंने इसके ऊपर से सील हटा दी है और आपको ओपन करके दिखाता हूँ गाइस कि हमारे जो ब्लूटूथ ईयरबड हैं कैसे होने वाले हैं। तो गाइस देखिए बहुत ही प्रीमियम लुक आ रहा है गाइस इनका, आप देख सकते हैं। और इनके ऊपर भी गाइस किसी तरह की प्रोटेक्टिव लेयर है यहाँ पे, इसको भी मैं आप हटाता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ से इन्हें निकाल के दिखाता हूँ आपको। गाइस कुछ इस तरह का लुक हमें इनको देखने को मिलता है, काफ़ी प्रीमियम है गाइस। ये हमें यहाँ पे फिजिकल बटन देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई टच सेंसर नहीं है गाइस। और इस यहाँ पे भी गाइस एक तरह की हमें सील देखने को मिलती है, इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं। देखिए गाइस बहुत ही प्रीमियम लुक आ रहा है। और गाइस ये आपको बता दूँ इसमें एक मैग्नेटिक यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ही हम इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इसमें चला जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैग्नेटिक वर्क है यहाँ पे थोड़ा, और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपको लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई देती है। तो गाइस जो इनका लुक है गाइस वो पूरा ये रेडमी ईयरबड जैसा ही है, बस नाम गाइस यहाँ पे आपको मी टू वायरलेस ईयरबड दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे गेमिंग मोड भी है। इसकी लेटेंसी गाइस 122 मिली सेकेंड्स है, यानी कि जो हमें साउंड का जो डिले देखने को मिलता है वो गाइस बहुत ही कम है, जबकि हमें गाइस एप्पल के ईयरपोड्स में भी 144 का देखने को मिल जाता है। तो गाइस एप्पल के ईयरबड्स से भी कम इसमें लेटेंसी है। चलिए आपको मैं आगे और दिखाता हूँ। तो गाइस जब इसे हम केस में रखते हैं तो कुछ इस तरह की गाइस इसमें लाइट ब्लिंक होती है, और केस से बाहर निकालने पर गाइस ये ऑटोमेटिकली पेयर करने के लिए रेडी हो जाता है। तो हमें इसे बटन दबा के प्रेस करके पेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख सकते हैं गाइस आप। और गाइस इन ईयरबड्स की बैटरी की बात करें तो 43 mAh की बैटरी हमें इसके अंदर मिलती है, जो लगभग 4 घंटे का प्लेबैक हमें दे देती है। और बॉक्स के साथ गाइस हमें 12 घंटे और मिल जाते हैं, यानी कि टोटल गाइस हमारे पास करीब 12 से 16 घंटे का बैटरी बैकअप हमें यहाँ पे मिल जाता है। और गाइस बॉक्स में भी आप देख सकते हैं कुछ और तरह के कंटेक्ट मिलते हैं, यहाँ पे ईयर टिप्स भी आपको प्रोवाइड की गई है। देखिए आपको दिखाता हूँ इसमें, ये गाइस कुछ तरह का मैनुअल है, और ये गाइस मैनुअल इंग्लिश उर्दू फारसी कई तरह की लैंग्वेज में, इसलिए शायद इतना बड़ा है। इसको हम साइड में रख देते हैं, इसका कोई काम नहीं। और यहाँ पे गाइस यूज़र गाइड दी हुई है। तो गाइस साउंड क्वालिटी की बात करें तो गाइस बहुत ही अच्छी है, और लगभग मैंने गाइस इसे कल 2 घंटे तक यूज़ किया
और गैस मैंने इसे किसी तरह को चार्ज नहीं किया, जो गैस चार्जिंग थी वो केस के साथ ही आई हुई थी, बॉक्स के साथ ही। तो गैस मैंने यहाँ पे अलग से कोई चार्जिंग की नहीं की और बैटरी बैकअप गैस बहुत ही अच्छा है। तो गैस ये रहे हो एयर टिप्स। तो गैस मीडियम टाइप की एयर टिप्स तो आपको इसमें लगे मिलते हैं और स्मॉल और लार्ज इसमें आपको पैकिंग में मिल जाते हैं। और गैस हम यहाँ चार्जिंग की बात करें तो माइक्रोवेव भी चार्जिंग से किस चार्ज होता है। और गैस साउंड की बात करें तो मी के ईयरफोन आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं, तो लगभग उन्हीं के जैसा गैस यहाँ पे साउंड आपको देखने को मिलता है। थोड़ी गैस और जो वॉइस है गैस वो थोड़ी यहाँ पे हमें साउंड है थोड़ा लाउड देखने को मिल जाता है, वो इसका एक बेनिफिट है। अगर बात गैस इनकी पेयरिंग करता हूँ तो पेयरिंग बहुत आसान है गैस, आप चाहे तो सिंगल इसको पेयर कर सकते हैं या डबल पेयर कर सकते हैं। डबल पेयर करने के लिए गैस आपको दोनों में एक बार बटन दबाना प्रेस करके रखना होगा होल्ड करके, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके जो डिवाइस है उससे पेयर हो जाएंगे। और गैस यहाँ पे फिजिकल बटन दिया हुआ है मैंने आपको बताया था, तो गैस आप अगर आप यहाँ पे वन बार टैप करते हो तो ये म्यूजिक प्ले और पॉज के लिए बटन है गैस। अगर आप डबल बार टैप करोगे इस पर तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा, और ट्रिपल बार टैप करने पे गैस ये गेमिंग मोड में चला जाता है। यहाँ पे हमें गाने को नेक्स्ट और प्रीवियस करने का कोई ऑप्शन नहीं है गैस। तो ये इस ईयरबड की मुझे थोड़े बेकार बात लगी गैस। ईयरबड्स को ईयर में लगाने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है गैस। ये राइट वाली ईयरबड्स हैं और गैस जो पिक्स आ रही है ये नेक्स्ट वाले लेफ्ट वाली ईयरबड्स की है। तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको गैस मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और गैस मैं इसी तरह की अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड गैस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।